करते हैं अगली बड़ी खबर का। लखनऊ से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों पर बड़ा खुलासा हुआ है। कानपुर में आतंकी पाठशाला चल रही थी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। नई सड़क चमनगंज में यह पाठशाला चलाई जा रही थी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मदरसे के नाम पर आतंकियों ने पना ली थी। शहर की 36 इमारतों से पाठशाला का संचालन हो रहा था, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रहमानी मार्केट से युवकों ने मोबाइल लिए थे। संदिग्धों के 25 मददगारों से पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। संदिग्धों को जल्द ही कानपुर लेकर एटीएस की टीम पहुंचेगी। कानपुर में 13 खातों से लाखों की फंडिंग हुई है, उसकी भी जांच की जा रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कानपुर में 13 खातों से लाखों की फंडिंग पूरे मामले में हुई थी। लखनऊ से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों पर बड़ा खुलासा हुआ है। कानपुर में आतंकी पाठशाला चलाई जा रही थी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नई सड़क चमनगंज में यह पाठशाला चल रही थी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, जिस तरीके से जो आतंकी पकड़े गए हैं कई सारी घटनाओं में वो लिप्त थे, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो फंडिंग का जो मामला निकलकर सामने आया उसको लेकर क्या कुछ सामने आ रहा है? देखिए, आपको बता दूं, जिस तरह से मसरुद्दीन और मिनाज को पकड़ा गया था और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि आखिर जिस तरह से कि इनका जो कनेक्शन है वो कहाँ से है, उसमें से जो इनके पास से असलहे अवैध तरीके से बरामद हुए थे वो जो है वो कानपुर से इन्होंने खरीदा था, एक ये बात सामने निकल करके आ चुकी है। और यही कारण है कि जब इस विषय पर एटीएस ने कानपुर में छापेमारी की है तो वहाँ से एक ठेकेदार जो है उसकी गिरफ्तारी की गई है। माना जा रहा है कि वहाँ पर भी कई लोगों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। अब तक जो एटीएस को जो गिरफ्तार किया गया, लगभग सूत्र हमारे बता रहे हैं लगभग 25 लोगों को एटीएस ने अभी तक गिरफ्तार किया है और उन लोगों से भी लगातार यूपी एटीएस वो पूछताछ कर रही है। लेकिन सबसे अहम कड़ी जो निकल के आई है कानपुर से, वो जो एक ठेकेदार है जिसके माध्यम से मिनाज ने जो है वो तमाम चीजें खरीदी हैं, अवैध चीजें खरीदी हैं, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें निकल के सामने आई हैं कि आखिर क्या चीजें अहम है, क्या क्या वहां से चीजें खरीद। लेकिन जो अवैध सिम की बात कही जाए, अवैध असलहों की बात कही जाए, उन तमाम चीजों को जो है वो कानपुर से खरीदने की बात निकल के आई। उसके साथ साथ वहां पर जो है अवैध तरीके से जो पाठशाला चलाई जा रही थी, यानी जो मदरसे चलाए जा रहे थे, उन पर भी यूपी एटीएस की नजर है। उसके साथ साथ जो फर्जी सिम है वो भी कानपुर से ही इन लोगों को दिए गए हैं। इसके साथ जो अहम कड़ी है वसीम को लेकर भी लगातार कहा जा रहा है कि वसीम की भी यूपी एटीएस तलाश कर रही है। और इसमें से जो एक है उमर की बात कही जाए, उमर भी लगातार अभी फरार है, उसको लेकर के जो एटीएस के पास तमाम चीज जानकारी हुई वो संभल कर रहने वाला है। उनके परिजनों ने यह कहा कि शायद वो संभल से बचपन से ही निकल गया था और वो जम्मू कश्मीर में है, ऐसा जो यूपी इनपुट्स हैं एटीएस के सूत्र वो बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इसमें कड़ी है वो लगातार संतोष निकल के सामने आ रही है कि आखिर किस तरह की चीजें सामने आई थी। लेकिन इसमें अहम कड़ी जो निकल के आ रही है वो कानपुर की निकल करके आ रही है। कानपुर में लगातार जो यूपी एटीएस की छापेमारी है, उस छापेमारी में जो एक बिल्डर का नाम सामने आया उसको भी यूपी एटीएस ने शायद गिरफ्तार किया है और उसके साथ साथ वो उसके बिल्डर का बड़ा काम करता है और उसके साथ साथ जो पैसे के लेन देन की बात। जी ओम, आप बने रहिए हमारे साथ, इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर संदिग्ध आतंकी मामले में, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। संदिग्ध आतंकियों का यूपी दहलाने का प्लान था, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मई में ब्लास्ट करने की साजिश इन आतंकियों ने रची थी, लॉकडाउन के चलते ये पूरा प्लान टाला गया था। एटीएस दोनों को जम्मू कश्मीर लेकर जाएगी, ऐसा सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।